हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। लगातार हरियाणा न्यूज की ये हरियाणा एक्सप्रेस आप तक पहुंच रही है और पूरे हरियाणा में हम अपने इस हरियाणा एक्सप्रेस को लेके जा रहे हैं, तमाम आपके मुद्दों को उठा रहे हैं और आपके नेताओं को अपने इस मंच पर लेकर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हरियाणा न्यूज की ये हरियाणा एक्सप्रेस जो इस पूरे हरियाणा के चुनाव को कवर करने निकली है, ये फतेहाबाद पहुंची है। कहने को तो इसको पिंक सिटी कहा जाता है, लेकिन फतेहाबाद की परेशानियां कितनी हैं वो आज इस मंच के जरिए उजागर होंगी। फतेहाबाद के लोगों को जो नेताओं से उम्मीदें थी, क्या नेता उन परेशानियों को खत्म कर पाए? क्योंकि फतेहाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि नशा लगातार बढ़ रहा है और यहाँ के युवाओं को परेशान कर रहा है। इस नशे का अंत कैसा होगा, इस नशे को कैसे पार्टियां रोक पाएंगी और इस नशे को अपने चुनावी एजेंडा में शामिल करके कैसे इस सबसे बड़े परेशानी को खत्म कर पाएगी फतेहाबाद से? आज सवाल के जवाब को जानने के लिए हरियाणा न्यूज फतेहाबाद में है। न सिर्फ नशा, तमाम दूसरी परेशानियां जिससे फतेहाबाद के लोग आज भी परेशान हैं, हैरान हैं और ये सोचने को मजबूर हैं कि 5 साल सरकार रही, आपने तमाम दावे किए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? तमाम विपक्षी पार्टियों से भी सवाल होंगे कि आप लगातार चीख चीख कर हर मुद्दे पर तो सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपने इसको खत्म करने के लिए क्या पहल की, आपने क्या कोशिश भी की? मंशा इस तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी यह है कि आप परेशानियों को खत्म करें या सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें? तो शुरुआत आज इस कार्यक्रम की फतेहाबाद से हरियाणा न्यूज की हरियाणा एक्सप्रेस में अब होने जा रही है। और सबसे पहले आपको तमाम अपने पैनलिस्ट से मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वेद फुला जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों से मैं चाहती हूं आप तमाम हमारे गेस्ट का स्वागत कीजिए। हमारे साथ आनंद वीर गिल्ला खेड़ा जी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ बलविंदर कैरो जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से जिला अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत। और सुरेंद्र लेगा जननायक जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं, आप सभी का बहुत स्वागत। और तमाम लोग जहां यहां बैठे हैं मेरे आंखों के सामने और तमाम हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका स्वागत। तमाम आपके मुद्दों पर अब बहस हरियाणा एक्सप्रेस में अब फतेहाबाद से शुरू होने जा रही है। शुरुआत में वेद फुला जी आपसे करूंगी, 5 साल सरकार रही, सबसे बड़ा मुद्दा आज फतेहाबाद की जनता, आपको क्या लगता है कि नशे की जो परेशानी है उससे तमाम लोग त्रस्त हैं, हैं कि नहीं, हैं कि नहीं? आवाज चाहिए ताकि पूरा हरियाणा सुने, सीएम साहब सुने, सरकार सुने, तमाम आने वाली नई सरकार को भी पता चल जाए कितनी परेशानी है। वेद फुला जी, इस परेशानी को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को अपनी राम राम कहता हूं और खास करके आपको कि आप सब ने मुझे जनता के सामने रूबरू होने का मौका दिया। एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो आज आपने जो बात कही है, खास करके हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए तो नशे की बात है, वो आज एक सामाजिक कुरीति बहुत बड़ी बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में माननीय मनोहर लाल जी ने उत्तरी भारत के जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को मिला करके इसका एक संगठन बनाया। और क्योंकि हरियाणा जो प्रदेश है इसमें अक्रॉस द लाइन एक साइड में देखें तो राजस्थान, दूसरी साइड में पंजाब, और दोनों जगह ही विपरीत सरकारें एक सहयोग के रूप में काम करते हुए इसको जड़ से इसका उन्मूलन किया जाए, इसको लेकर के नए कानून का प्रारूप, और फतेहाबाद जो जिला है इसमें एक स्पेशल जोन बना करके इस पर कार्रवाई करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, उस पर हम कर भी रहे हैं। और फतेहाबाद के अंदर हम देखें तो पिछले 3 महीने से लगातार हरियाणा पुलिस जो है जितने एक्यूज जो मानिए एक रिकॉर्ड के साथ मैं कह सकता हूं कि 350-400 से ज्यादा केस जो है इस मामले में हमने पकड़ करके उनको अंदर ठोकने का काम किया है। लेकिन मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से एक निवेदन भी है कि जो कृति है खास करके जो माता पिता हैं हम सब लोगों को सहयोग करना होगा। हम सब लोगों को सहयोग करके जब तक लोग इस चीज के हम लोग निगरानी अपने बच्चों पर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक चीज ऐसी होगी। आप ये कह रहे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, सरकार की जिम्मेदारी कम बनती है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार जो है मैंने कहा कि जिसकी लेकिन आपने जानकारी कहा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है इस बात पे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें क्योंकि आज देखते हैं कि बच्चा जो एक कॉलेज जाता है कहीं जाके बैठता है टोली में बैठता है
अगर वो किसी चीज में जब तक थोड़ी उसको प्राथमिकता में अगर वो चीज शुरू करता है किसी को पता नहीं चलती और अंत तक जब पहुंच जाता है तब जाकर के उस चीज का पता लगता है कि बहुत ज्यादा है। लेकिन वो नशीले पदार्थ हरियाणा में आके नहीं, हरियाणा में नशीले पदार्थ इस तस्करी को रोकने के तो कैसे पहुंच रहे हैं हरियाणा इस तस्करी को रोकने के लिए हमने बहुत कड़े कानून के साथ हमने माननीय मनोहर लाल जी ने मैंने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर पांचों राज्यों की बैठक भी करी है। आपने देखा कि पीछे एक नाइजीरियन को हमने फतेहाबाद में पकड़ करके यहाँ उनको पेश भी किया गया और खास करके दिल्ली के अंदर जो नाइजीरियन जो लोग रहते हैं दिल्ली के हमारी जो सरकार है जो विपक्ष की सरकार आप कह रहे गंभीर है ठीक है। आनंद जी कितनी गंभीरता आपको नजर आ रही है इस मुद्दे पर सरकार की? धन्यवाद प्रतिमा जी। सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करूंगा खासतौर पर हरियाणा न्यूज का। और मैं सीनियर नेता नहीं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का। और आपने बहुत ही अच्छे से इस चीज को पुट किया है कि नशा यानी कि चिट्टा हमारे फतेहाबाद की सबसे बड़ी समस्या है। आज जो पिंक सिटी कहलाने वाला फतेहाबाद है आज वो चिट्टा सिटी बन के रह गया है। एक इस स्वर्ग को खत्म करने का जो काम भाजपा सरकार ने किया है पांच साल से लगातार 2014 तक किसी व्यक्ति को यहां पर पता नहीं था चिट्टा क्या है। और आज जो मौजूदा हालात है मेरे को लगता नहीं कि कोई व्यक्ति अछूता है इस समस्या से। मैं सरकार के नुमाइंदों से सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप चालान काटने में इतने सख्त कानून ला सकते हैं और गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे पुलिस को खड़ा करके आप उस चालान की कार्रवाई कर सकते हैं तो क्या चिट्टे के लिए आपके पास कोई सीरियसनेस नहीं थी? आप बात कर रहे हैं कि आपने पांच मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करके आपने सॉल्यूशन निकालने की बात करी और दूसरी तरफ आपके पार्टी नशे के व्यापारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है लगातार। क्या सीरियसनेस आप बताएं? बात करने से नहीं होगा, आपको तगड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। बिल्कुल जी, प्रवीण काशी जी एक काशी से बनारस से आया हुआ एक व्यक्ति यहां पर लगातार पिछले दो महीने से धरने पर बैठा है। दो बारी माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद ने उन्होंने मुलाकात करी, आज आमरण अनशन पे बैठा है। आप जवाब दें कि कौन सा पार्टी का नेतृत्व वहां पर जाकर उसके मदद करने की गुहार लगा के आया है जो वादे मुख्यमंत्री जी ने करे। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं मौजूदा सरकार से कि उन्होंने पिछले चार तारीख को एक नोटिफिकेशन यहां से डीसी साहब के माध्यम से प्रशासन के माध्यम से आज वहां पे पहुंच चुका है लेकिन चार तारीख से लेके आज 24 तारीख होने को है कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की गई। जो मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं मेरा यह मानना है वो प्रदेश के लिए कानून बन जाता है लेकिन दुर्भाग्य है हमारे फतेहाबाद का हमारे इलाके का कि आज नशे के विरुद्ध में कोई भी ऐसा कानून बनाने का काम नहीं किया। एक स्पेशल जोन की डिमांड है हमारे क्षेत्र के लोगों को और भाजपा को यह बात समझनी होगी कि आपकी सीरियसनेस इस बात में नजर आती है कि आपने नशे के व्यापारियों को पार्टी में शामिल करने का काम किया। आपने बात करा राजस्थान और पंजाब से जुड़े हुए इलाके का, अकाली दल का, अकाली दल की सरकार थी, अकाली दल की सरकार थी पंजाब में, बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, नशे तस्करों को ये जोन बना के दिया गया फतेहाबाद और पिछले पांच साल लगातार इसका इस्तेमाल हुआ तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हमारे इलाके में। आपको लग रहा है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की श्रेय पे ही सब कुछ हुआ है? बिल्कुल नाकामी है ये सरकार की। ठीक है, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर सरकार चलान को लेकर इतना सीरियस हो सकती है, अगर किसान का ट्रैक्टर ट्राली का 50,000 का चलान कट सकता है तो मेरा मानना है कि एनडीपीएस एक्ट को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, मैं पब्लिक ओपिनियन बहुत लेती हूं और मेरी कोशिश यही रहती है जब सामने जनता होती है तो पब्लिक ओपिनियन जरूर लिया जाए। आपको क्या लग रहा है सरकार ने गंभीरता से कदम उठाए हैं क्या नशे को रोकने के लिए? नहीं उठाए। आगे वाले कह रहे हैं बस भारतीय जनता पार्टी का जो पटका पहने हैं कि उठाए हैं, पीछे वाले सब कह रहे हैं नहीं उठाए। ठीक है, अब मैं बलविंदर जी आपसे पूछना चाह रहे हूं, अब आपको क्या लग रहा है ये तमाम जो चीजें नजर आ रही हैं आसपास इसको लेकर सरकार वाकई में गंभीर नहीं थी? नहीं प्रतिमा जी, कोई शक नहीं इस बात में। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब ये नशे की आंधी हमारे फतेहाबाद में एंटर कर रही थी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं उस वक्त यहां गर्वेशिंग के चेयरमैन थे अनिल विज जी और उनकी उस वक्त के एसपी के साथ इस बात को लेकर बहस हुई थी जब लोकल सारी संस्थाओं ने एक विज्ञापन दिया था कि हमारे चिट्टा बहुत फैल रहा है जी। बहस तो वो कर गए, दुर्भाग्य इस बात का है, मैं स्पष्ट जनता बैठी कहना चाहता हूं, उस दिन तो कहीं शराब और थोड़ा बहुत अफीम और थोड़ा बहुत इसका चिट्टे शुरुआती चार साल के अंदर जो गर्त में हमारा फतेहाबाद गया है इसकी जिम्मेवार देखो मौजूदा सरकार ही है। लेकिन एक मैं और बताना चाहता हूँ आपको, मतलब अगर हमारी गंभीरता से नहीं लेते मुद्दे को तो आज ये हालात नहीं होते। मैं प्रतिमा जी एक बात और कहूँ, इंडियन नेशनल लोकदल विपक्ष का दल था, हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा में स्पेशली, शायद आपने भी नोट किया, वहां मुख्यमंत्री को
अटेंशन कॉलिंग मोशन के दौरान एक सवाल रखा और इस पर यह जवाब मांगा था कि सरसा और फतेहाबाद की हालत बदतर कर दी, सरकार उस पर क्या कर रही है, लेकिन उस पर कोई एक्शन आज तक तो हुआ नहीं। जिम्मेवार देखो मौजूदा सरकार हुआ करती है, एक्शन उसने लेना होता है, केवल एसपी डीएसपी छोटे बदलने से कुछ नहीं, सरकार की मंशा क्या है वो साफ होनी। सुरेंद्र लेगा जी, सबसे पहले प्रतिमा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से शायद सरकार की कोई कान खुल जाए। जैसे मेरे बड़े भाई बैदफुल्ला जी ने बताया कि हमने ये किया हमने वो किया, नशे के खिलाफ, नशा बहुत बड़ी फतेहाबाद के अंदर समस्या है, इन्होंने पंजाब का नाम भी लिया। और मेरे बड़े भाई बलविंदर जी ने कहा और वो बात सत्य भी है, जब मैडम एसपी ने बिज साहब के सामने ये बात कही कि ये आपके राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इसके अंदर शामिल है, तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया जाता है सरकार के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने कोई नशे के खिलाफ कोई कदम उठाया है। उसके अलावा नशा नहीं, इन्होंने फतेहाबाद के अंदर कौन सा विकास किया है वो मेरे बड़े भाई बताएं तो सॉरी। ठीक है वेदफुला जी, अभी तमाम पार्टियां कह रही हैं, सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, ये भी हाथ हिला के बता रहे हैं कि नहीं कोई काम नहीं किया है। आप चालान तो काट रहे हैं मोटे मोटे, आप इसके लिए चालान काट दीजिए ना, इसके लिए आप कोई सख्त रूल बना दीजिए, लोग साथ में हैं आपके, क्यों नहीं करते? तीनों पार्टियों के जो साथी साहब मेरे यहाँ इस डिबेट में शामिल हैं, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा कि आप मंच पर आकर के अनर्गल बातें ना करें, क्योंकि आपकी सरकारें इस प्रदेश में रही हैं। और बात जो आज आनंदवीर गिल्ला जी कह रहे हैं, नहीं अगर आप इसमें भी पिछली सरकार का दोष लगा देंगे तो पहले क्या हालात इतने बदतर थे जितने आज हैं? पहले जितनी गंभीरता से इस इन तमाम परेशानियों की आज जितनी गंभीरता से चर्चा हो रही है, क्या पहले होती थी? क्या पहले इतनी बड़ी समस्या थी क्या ये फतेहाबाद के लिए? प्रतिभा जी मैं उसी बात को कह रहा हूँ, आप मुझे समय दें इस विषय को लेकर के, नहीं थी अभी जो लोग खुद ही पब्लिक ओपिनियन दे रहे हैं। आप देखिए आप इन नेताओं की बात से आप इन नेताओं की बात को माने नहीं, ठीक है सामने पब्लिक बैठी है, पब्लिक तो झूठ नहीं बोलेगी ना, हमने तो बुलाए नहीं है और ना मैंने किसी को टारगेट करने के लिए लोग बुलाए, अपने आप फतेहाबाद की जनता यहाँ पर पहुंची है और ये खुद अगर बता रहे तो आप इनको भी क्या झूठा कहेंगे? प्रतिभा जी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ और खास करके जिन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये पिंक सिटी जो है चिट्टा सिटी बन के रह गई है। ये एक बात बताएं कि इनकी सरकार थी हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी थी, इनके फादर साहब उस सरकार के अंदर थे और शराबबंदी के दौरान कितने केस इनके कार्यकर्ताओं पे दारू बेचने का इस इलाके में हुआ था, इस बात का ये जवाब देंगे क्या? आज ये बालो कह करके मंच पर आकर के इस बात को कहना चाहें कि हम लोग उसमें तस्करी के खिलाफ हैं, ये बात जस्ती नहीं है। और दूसरी बात मेरे दूसरे साथियों ने भी कहा, जब इनकी सरकारें थी यहाँ कंडा लगकर के भुक्की बिका करती थी, आज कोई कोई सामने से कोई एक आदमी खड़ा होकर यूं कह दे कि भाई चिट्टा फलाने आदमी बेच रहा है, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि तुरंत कार्रवाई होगी, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। और इनकी सरकारों के अंदर अगर किसी ने दारू शराबबंदी के अंदर लेनी होती थी तो भाई नेम बिका करती थी कि फलाने नेता के घर बेचने वाला आदमी मिलेगा और काम नहीं होता था। और जब किसी को भुक्की लेनी होती थी तो यहाँ कंडे लगा करते थे, कंडे भी लगाने वाले लोग इनके नेता हुआ करते थे। क्या किया और अब आप कह रहे 75 पार इस बार मनोहर सरकार, तो मनोहर सरकार आप कह रहे दोबारा बना रहे हैं, आप तो अपना एजेंडा बताओ ना आप यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ ना जी, यानी अनर्गल बातें करने का फायदा नहीं, जनता की बात का जवाब। अरे जनता भी अनर्गल बातें कर रही है क्या? ये तमाम लोग जो बता रहे हैं कि कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, ये झूठे हैं क्या? नहीं आप लोग झूठे हैं क्या? वेदफुला जी कह रहे हैं अनर्गल बातें नेता कर रहे हैं, लेकिन नेता भले ही कर रहे हो, जनता कर सकती है क्या अनर्गल बातें? जनता से ये भी तो पूछिए, जब इनकी सरकार थी यहाँ भुक्की और मतलब दारू बिका करती कि नहीं बिका करती थी, या जनता खड़ी होकर बताए? हाँ ये भी बात होती। हाँ हालात का बदतर, हालात अब बदतर है या पिछली कांग्रेस की सरकार में बदतर थे, अभी बदतर है? प्रतिमा जी मैं एक बात आपसे, आज हरियाणा प्रदेश में अरे युवा 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 की बातें सब कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है? अगर आप इतनी गंभीर हैं इसको रोकने के लिए तो आप बताइए, आप चालान काट दीजिए ना। मेरे पास जवाब है इन बात का। जैसे कि आप जानते हैं हमने हमेशा से कहा है कि भाजपा के नेता बहुत ही अनुभवहीन है, और मेरे साथी वेदफुला जी से जिन्होंने हम पे आरोप लगाया है कि इनकी सरकार में शराबबंदी हुआ करती थी, तो शायद ये भूल गए 1996 से लेकर 99 तक भाजपा से विपक्ष का गठबंधन था और उसी सरकार में जो है शराबबंदी थी।
और बिल्कुल रही बात सुनिए कंप्लीट करने दीजिए, मैं चुप था, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। रही बात मेरे पिता की और हमारी, तो मैं, मेरे पिता और मैं एक भी कोई भी सिगरेट से लेके शराब से लेके किसी प्रकार का नशा नहीं है। रात के 12 बजे आप हमें आके उठा सकते हैं, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि हमने शराब पी? इस बात का क्या प्रूफ है आपके पास? आनंदवीर जी ये बात आप कही है कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार में हालात बिगड़े हैं, आप ये मत कहिए कि सरकार में हालात आपकी सरकार में बहुत बिगड़े थे। अरे उन्होंने जो बिगाड़े हालात तभी तो आपको मौका मिल गया। अब आपको मौका मिल गया, अब आप अपनी बात कीजिए। और अभी अगर आप उनको कोसते रहेंगे, अभी भी आप उनको कोसते रहेंगे तो जनता ये माफ थोड़ी करेगी। आप उम्मीद करते हैं ना, आज ये आज मैं एक मिनट एक एक करके आज मैं ये बात बड़ी मतलब इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज ये बात जो कह रहे हैं चिट्टे की बात कर रहे हैं, आज फतेहाबाद जिले के अंदर जितने शिक्षण संस्थान है, जितने कोचिंग सेंटर है, आप वहां जाकर देखिए कि युवाओं की आपको भीड़ मिलेगी। आप सुबह निकल के देखिए, किसी स्टेडियम में जाइए, आप सुबह कहीं जाइए, आपको जो बच्चे हैं खेलते हुए मिलेंगे। क्यों? कि सरकार ने युवाओं में इस बात को लेकर के प्रेरणा पैदा की है कि आज हरियाणा प्रदेश में रोजगार जो मिलता है वो बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिलता है। बच्चे ग्राउंड में जा रहे हैं तो उसका क्रेडिट आपको दिया जाएगा। बच्चे अगर खेल रहे हैं, बच्चे अगर ग्राउंड में खेल रहे हैं तो उसका क्रेडिट आपको जाएगा क्या? हरियाणा प्रदेश आप लोगों के बीच में कुछ मुझे समय और दीजिए। मेरे पास जवाब है। माननीय वेद फुल्ला जी की जो मेमोरी है वो बड़ी कमजोर है। खेलों की प्रेरणा के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खेलों के तरफ प्रेरित करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पदक लाओ पद पाओ जैसी नीति लेकर आए। आज ये सवाल उठाते हैं कि हमने बड़ी पारदर्शिता से नौकरी दी है। जनाब, अगर आपने पारदर्शिता से नौकरी दी है, एक तिहाई नौकरियां तो आपने केवल ग्रुप डी की दी है, चपड़ासी तो लगे हरियाणा का, हर बड़ा अधिकारी लगे बाहर का, गुजरात का। ये कौन सा इंसाफ है? नहीं, और जो एचएसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, मेमोरी आपकी भी बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं मानता हूँ कि आप युवा कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन आप इस बात को मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ। आप चपड़ासी की बात कर रहे हैं, चपड़ासी को आप छोड़िए, आप एचएससी की भर्ती कर रहे हैं, उसमें कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने बच्चे चोटें लो रहे हैं, कैसे धक्के खा खा के जा रहे हैं, क्या हालात बना रखी है, क्रेडिट ले रहे हैं अपने आप पे। प्रतिमा जी, शायद मेरे बड़े भाई को पता नहीं है कि इसको देश और प्रदेश देख रहा है। यहाँ बात जो आंकड़ों की है वो करें, झूठ मत बोले। मैं कोई बात झूठ के ये बताइए, आज हरियाणा प्रदेश में चाहे वो डी ग्रुप की भर्ती हो, चाहे वो एचएस की नौकरी हो, आप क्या कह रही हूँ आप वो बात सुनिए। अगर आप क्रेडिट लेना जानते हैं तो आप ये भी जानिए और आप ये भी मानिए कि आपकी राज में एचएसएससी की भर्ती में बच्चे मर रहे हैं धक्के खा के बसों पे। उनको विकास नाम का लड़का मर रहा है, डाल रहे हैं आप, इसका क्रेडिट लीजिए। बोलिए आपकी वजह से, बोलिए आपकी वजह से। प्रतिभा जी, आप बात बहुत गलत कह रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत बात कह रही हूँ क्या? तमाम वीडियोज आप देख रहे हैं कि बच्चे एग्जाम देने कैसे जा रहे हैं, 400 किलोमीटर दूर बच्चों को जाना पड़ रहा है, कोई व्यवस्था आप लोगों ने की नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मैं गलत कह रही हूँ। यहाँ पे सात मर गए जी, दो दिन में सात बच्चे, दो दिन में मर गए। बलविंदर जी एक मिनट, प्रतिभा जी ने जो बात कही है इस बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। रोड एक्सीडेंट की जो बात होती है, चाहे हम शादी ब्याह में जा रहे हो, चाहे हम किसी खुशी में जा रहे हो, ऐसी कोई घटना नहीं होती जो इस तरह की। शादी ब्याह में जाते हैं तो शादी के घर वाले इंतजाम खुद करते हैं। आपने क्या इंतजाम किए? सरकारी बसों में क्या इंतजाम था? सरकारी बसों में क्या इंतजाम किया था? ईमानदारी से देने का काम किया। आज हरियाणा का युवा जो है, जो फार्म बर्बाद हो चुका है, परीक्षा देने आ रहा है, आज उस युवा को विश्वास है कि मनोहर लाल जी की सरकार ईमानदारी से रोजगार देने का काम करेगी। पूर्व की सरकारों के अंदर, पूर्व की सरकारों में लोग फार्मी नहीं करते थे, सबको पता था कि ये सरकार जो थी वो पर्ची और पर्ची से चला करती थी। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में कोई पर्ची और पर्ची नहीं चलती। सब लोग हाथ हिला के बता रहे हैं, कितना विश्वास है, विश्वास है क्या, विश्वास है क्या, विश्वास है क्या, विश्वास है क्या? आप सच्चाई से नहीं भाग सकते। देखिए मैडम, कह रहे मिली है, और बहुत सारे लोगों को मैं उदाहरण के रूप में कह सकता हूँ। हमारा ये जो मेरे साथ बलविंदर सिंह कहरा जी है,
और ये बुन्ना के रहने वाले हैं। बुन्ना के अंदर एसआई की नौकरी एक बाल्मीकि समाज के बच्चे की लगी है। आप उसके परिवार में जाकर बलविंदर सिंह कहराजी जी पूछ लें कि आज इनकी मिसिज लगी है, इनकी मैडम लगी है, और वहां पे एक प्रेस करने ये आपकी जिम्मेदारी है लगी है तो प्रेस करने वाले का बच्चा जो है वो जो प्रेस करता है उसका बच्चा है सही लगा है। मैं दावे के साथ तो कह सकता हूं आपकी जिम्मेदारी इसमें एहसान आपने कैसे कर दिया। मुझे पता कि इस सरकार में एमपी पड़े हुए एमपी पड़े हुए बच्चे एमपी पड़े हुए बच्चे ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं। सरकार में एचसीएच की नौकरी से लेकर के डी ग्रुप की भर्तियां ईमानदारी से देने का काम किया है तो मनोहर लाल जी की सरकार ने। ईमानदारी सारे गुजरात से लाके हरियाणा में इतनी ईमानदारी मत लाओ आप। एक एक करके हां हां बात ये थी बात ये कोई नहीं कोई नहीं। प्रतिमा जी जहां तक सवाल आया यहाँ कांग्रेस का और बीजेपी का देखिए अरे नारे ना बाद में लगा दीजिएगा खट्टर साहब आएंगे तो उनकी रैली में लगाइएगा। यहाँ पे मुद्दों की बात है मुद्दे सुन लीजिए अपने बढ़ाना सेंसिटिव सिस्टम है प्रतिमा जी सच्चाई है वो लोग यहाँ से सही जाने अरे तो मैं तो यही कह रहा हूँ मुद्दों की बात कीजिए अपनी रैली में आप नारे लगवाइए ये रैली नहीं है आपकी ये हमारा मंच है यहाँ पे सिर्फ मुद्दों की बात होगी हमारा मंच है यहाँ सिर्फ मुद्दों की बात होगी मुझे यहाँ पे किसी का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चाहिए। पारदर्शिता की बात करते हैं भाजपा वाले इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पेपर लीक होना पारदर्शिता का क्या नियम है साहब। आज ही का पेपर आज ही के अखबार में इतनी कमजोर हो चुकी है इनकी मेमोरी कि आज का अखबार भी पढ़ के नहीं आए कि अंबाला के सेंटर के अंदर पंजाब के एक साथी के पास में ग्रुप डी की आंसर की मिली है साहब। अगर आनंद वीर जी मैं इस बात को कहना चाहता हूं अगर जब हमें सूचना मिली है तो हमने उनको पकड़ने का काम किया है। क्या आपकी सरकार के अंदर क्या होता था बच्चे तरीके से जानते हैं और रही बात आनंद वीर जी को एक बात बताना चाहता हूं आरोप ही सच्चे हैं बेफुला जी आरोप फुला जी आप अपने कर्मचारी जी बेफुला जी आप पहले उनको सुन लीजिए ना बाद में जवाब दीजिएगा उनको बोलने तो दीजिए। आपने नहीं मैडम जी आप तो आरोप लगाते हैं नहीं नहीं आपसे मैं जवाब लूंगी आप सुन लीजिए फूला जी एक बात एक मिनट वेद फूला जी और इनकी पार्टी पहले आप सुन लीजिए वेद फूला जी आरोप लगाते हैं कि दूसरी सरकारों की भर्तियों में घोटाले हुए थे आज आपकी सरकार की भर्तियों में अधिकारी जेल के अंदर बैठे हैं पेपर लीक करने के जुर्म में। अगर आपको लगता है बीती सरकारों में कोई घोटाला हुआ तो उन कर्मचारियों को निकालने का काम करें नेताओं को अंदर देने का काम करें। आपके पास कानून है पांच साल से आपकी सरकार है आपने उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी और अगर वो लिस्ट आउट होने का अगर आप बात प्रूफ नहीं कर सकते तो पुरानी सरकार के लगे कर्मचारियों को रोज रोज भ्रष्टाचारी कह के जलील करना कम से कम बंद करें। बलविंदर जी आपसे जवाब लेती हूँ पहले मैं सबसे एक बार कमेंट आप पहले उनकी बात सुन लीजिए उस आपसे मैं एक साथ आपसे जवाब लूंगी सबको मौका देना पड़ेगा। बलविंदर जी प्रतिमा जी यहाँ बात आई इन दोनों भाइयों की कांग्रेस और बीजेपी की मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस बहुत अच्छा काम करती तो हमारी जनता उनको सत्ता से ना हटाती। अगर जनता ने कांग्रेस के अच्छे काम नहीं थे उनको दूर करके बीजेपी को मौका दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी कहे कि आज ही हम अकेले अच्छे हैं। नौकरियां तो इनेलो की सरकार में भी बहुत ज्यादा चौटाला साहब ने दी थी ये कोई पमाना नहीं है। बात ये है कि आज अगर बीजेपी इन हालातों पर तो इलेक्शन तो चार दिन में आया उनको भी पता चल जाएगा जनता ने क्या करना है। देखिए एक बात कहना चाहता हूँ कांग्रेस या बीजेपी का पैमाना इस बात पर नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया और हमने क्या किया। ये बात जो मेरे साथी कह रहे हैं 26 मई 2014 को माननीय मोदी जी की सरकार देश में बनी थी और 26 अक्टूबर 2014 को माननीय मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी और उसके बाद में मनोहर लाल जी ने पंचायती राज का चुनाव हो जिला परिषद का चुनाव हो नगर निगम का चुनाव हो चाहे वो मेयर का चुनाव हो चाहे जींद का उपचुनाव हो चाहे हरियाणा की 10 की 10 की लोकसभा का चुनाव हो जनता ने जवाब आप तीनों को दे दिया है। आप जनता की जवाब की बात मत करी और बात रही आप भूल जाते हो ये मुद्दा नरेंद्र मोदी के नाम पर आपने बहुत मार दिया। ठीक है सुन लीजिए बात रही नौकरियों की अब जो मेरे साथी गिल्ला साहब खड़े हैं भैया आपकी सरकार में एक बटे हुआ करता था फतेहाबाद में घुमा करता था और उस बटे हुआ नाम अच्छी तरीके से आप जानते हो। थाने में अगर कोई आदमी जाता तो एसएचओ कहता भी मैं क्या करूं बटे हुआ फोन आया हुआ है
अगर कोर्ट कचेरी में जाते, एसपीडीसी के पास जाते, कहते भी बटेऊ का फोन आया हुआ है। अगर आप बात करते हो भ्रष्टाचार की, आज हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी की सरकार है, सबसे बड़ा काम मनोहर लाल जी ने किया है तो ये बटेऊ चाचे भतीजे खत्म करने का काम किया तो मनोहर लाल जी ने किया। आज हरियाणा के अंदर 2.5 करोड़ जनता की सरकार है, आज हरियाणा में किसी की जेब में कोई बटेऊ नहीं है, आज हरियाणा के अंदर लोग जो है ईमानदारी की सरकार को वाई वाई के साथ उसकी भाई करने का काम कर रहे हैं। सुनिए सब की और बात रही सबकी, करिएगा अपने मन की, सुन लीजिए। आप बात करते हैं किसान की, आप बात करते हैं बेरोजगारी की, आप बात करते हैं कर्मचारी की, मैं कर्मचारी की बात करना चाहूंगा आपके सामने। तो भाई हमारी सरकार में जो गांव के अंदर जो सबसे ज्यादा सेवा देने का काम करते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे गांव का लंबरदार हो, जो गांव में और शहर में सफाई करने वाला कर्मचारी हो, उस कर्मचारी की अगर तरक्का बढ़ाने का काम किया है। आप लोग 7500 देते थे, हम 12000 देते हैं आंगनवाड़ी वर्कर को, हेल्पर को आप 3000 देते हैं, हम 5000 देते हैं हेल्पर को। आप लोग 1000 चौकीदार को देते थे, हम 7000 रुपए चौकीदार को देते हैं। आप नंबरदार को 1000 देते थे, हमारे जी आपने बहुत विकास किया है, आपके हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी किसान व्यापारी सारे धरने पर क्यों बैठे हैं? किसी बात आज हरियाणा प्रदेश की सारी मंडिया आज और बात रही आप कहते हैं आपकी सरकार में नौकरी 50 नहीं थी, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ कि आप आनंदवीर गिल्ला खेड़ा जी की सरकार में जितने अच्छे से निकले थे, आप जितनी भर्तियां हुई थी उनका रिकॉर्ड निकालिए, सारे के सारे कांग्रेस ही मिलेंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने लोग लगे हैं, जितने अच्छे लगे हैं, ईमानदारी के साथ कोई गरीब परिवार का बच्चा भी आपको नौकरी करता हुआ दिखेगा, ये मनोहर लाल जी की सरकार में हुआ है। बहुत बढ़िया राजनीति की उसमें बढ़ाइए। और रही बात किसान की, बात करते हैं ईमानदारी की, बात का भी जवाब देना चाहूंगा। अब हम बात करेंगे ईमानदारी की, पहले इनकी एक बात सुन लीजिए, ये ईमानदारी एक थोड़ी सी और इन्होंने ईमानदारी की बात करनी है, ईमानदारी की बात सारी करूंगा बहन जी, सारी बात मैं कह रहा हूं आप कर लीजिए, आपको मौका दे रहे हैं, अच्छे से करूंगा। और रही बात आप कह रहे हैं किसान की, तो भाई ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसान है उसकी फसल को सही दाम पर खरीदने का काम किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। अरे चलान के किसान के आपने भाई जो आदमी 200 रुपए में कोई खरीदा नहीं कर रहा था, मंडी में जा रहा है, 200 रुपए में कोई किसानों की फसल खरीदी नहीं गया। एक बात मनोहर लाल जी, एक बात बता दो भाई, आप आदि लाइए ना लाइए, एक बात बता दो, सच्चाई छुपने की जरूरत है वेजी वेजी, एक बात बता दो वेजी, मेरे पे सवाल किए वेजी, एक बात बता दो, सरसों का भाव 4000 था, 4000 में खरीदी क्या प्रतिमा जी? मेरे 4000 का भाव था सरसों का, 3200 में खरीदी। मैं बिल्कुल पहले इनकी ईमानदारी का जवाब देता हूं साहब, आप मैं एक ईमानदारी की ईमानदारी नहीं, ईमानदारी की बात पहले नहीं आपने बोल लिया है, आनंद जी पहले ईमानदारी की बात करते हैं, सुनिए मैं देता हूं जवाब इस बात का, मैं देता हूं, अब रुकिए बाद में क्योंकि आपने बोल दिया, नहीं आप सुनिए, बोला ही नहीं मैंने, अभी तो बोल, आनंद जी पहले सुन लीजिए, अभी तो शुरू है आनंद जी, पहले बोलने दीजिए, पहले शुरू है। आप रही किसान की बात करते हैं, भाई आपकी वही सरकार होती थी जो किसान को 2.5 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 15 या 20 रुपए तक का मुआवजे का चेक आता था, और वो मुआवजे का चेक भी उसको भाई बस या अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ करके लेना पड़ता था। आज माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से ऑन द रिकॉर्ड मैं कहता हूँ, अगर कोई किसान यू कह दे कि भाई पहले मिला था, आज ये कहता हूँ कि फतेहाबाद विधानसभा के अंदर हमने 57517 किसानों को 66 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के माध्यम से उनके खाते में डालने का काम किया। और रतिया के अंदर ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, रतिया के अंदर 28555 किसानों को हम लोगों ने 36 करोड़ रुपए देने का काम किया है। आप इतना बताइए, आप इतना बताइए कि ये किसानों को हमने के लिए आप लोगों ने पैसे देने का काम किया, उनका क्या बताइए, आपने किसान को दिया क्या? आप लोगों ने किसान को बताकर गोली मारने का काम तो जरूर किया होगा, लेकिन किसान के आंसू पहुंचने का काम किया तीन दफा चला के वेद फूला जी ने दो बात करी, एक तो ईमानदारी की और एक किसान की, दोनों बात का जवाब देता हूं। आपकी ईमानदारी तो उसी दिन चौड़े आ गई थी जब 5 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा फतेहबाद के इसी पपैया पार्क के सामने आई और आपकी रखी हुई जनसभा में चोरी करी हुई लाइट मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में चल रही थी क्या ये? और वो ना केवल वो चोरी कोई आरोप नहीं है साहब, वो आरोप नहीं है, बकायदा बिजली महकमे ने चलान काटा है और आपने हर्जाना भरा, ये ईमानदार सरकार है। अब मैं बात करता हूं किसान की, अब मैं बात करता हूं किसान की, किसान का बेटा हूं, बात रखना फर्ज बनता है मेरा। अब बात करते हैं, ये बात करते हैं कि हमने करोड़ों रुपए जो है मुआवजा देने का काम किया। साहब आपने उन्हीं किसानों के केसीसी बने हुए खातों से धक्के से जबरन प्रीमियम कटवा के हजारों 10-20-30 हजार करोड़ रुपए का कंपनियों को फायदा देकर ये 50-60 करोड़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे और कोई भी प्रीमियम जो है सरकार का
कोई भी किसान को जो प्रीमियम भरना है अपनी इंश्योरेंस के लिए वो हुड्डा साहब की सरकार भरेगी, ये एक योजना लेकर आए। एक बारी और आनंदवीर जी बात करते हैं किसान की, आनंदवीर जी एक मिनट में आपकी बात का पूरी फसल आप लोग खरीद नहीं पाते। आपने जो बात कही उसका जवाब देता हूँ। ये हमारी सरकार है, हमने यहाँ टेंडर दिया था, आपने कहा कि बिजली चोरी का, मैंने ठेकेदार को टेंडर दिया था, अगर ठेकेदार ने चोरी करी इस पे जुर्माना करने का काम किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आपकी सरकारों में क्या होता था? वो जब सारी चारों तरफ मीडिया में, आपको कहता हूँ चारों तरफ आप एक बात कह रहे हैं कर्मियों ने दिखा दिया। भाई आप जो बात कह रहे हैं कि भाई ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, आप कह रहे भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार आएगी और हम तीन तीन उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक मुख्यमंत्री वो बनेगा, एक वो बनेगा, एक वो बनेगा। भाई रेवड़ी बांटते रहो, रोकता कौन आप लोगों को? आप हमारा मैनिफेस्टो उठा लें और पिछला जो हमारा घोषणा पत्र है, हम उस घोषणा पत्र में हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये बात कही थी कि हर आदमी को शिक्षा चिकित्सा हम उपलब्ध कराएंगे। और फतेहाबाद का जो ये हॉस्पिटल है, आप इसके तुरंत बाद वहां जाएं और देखिए कि इस सरकार में ओपीडी बढ़ी है कि घटी है और पूर्व की सरकार में कितनी होती थी। आज फतेहाबाद इस हॉस्पिटल के अंदर आपने ही तो घोषणा की थी 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, आपने ही तो घोषणा की थी 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। सीएम अनाउंसमेंट थी जनाब। ओपीडी, मैं वेद फुला जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ओपीडी बढ़ने से अगर बीमार लोग ज्यादा आने लग गए तो उससे विकास कहाँ हुआ? हमारे टाइम में इसी अस्पताल में, अब आपको इस अस्पताल की हेल्थ की बात करते हैं, हमारे टाइम में मौजूदा सरकारी अस्पताल में न्यू बॉर्न के लिए स्पेशल केयर यूनिट बनाई गई, ब्लड बैंक बनाया गया और यही नहीं 200 बेडेड अस्पताल की जगह अलॉट करके ड्राइंग्स तक तैयार करी गई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 8 बारी फतेहाबाद हल्के में आए हैं, 8 बारी। पहली बारी आके कहे इसको 200 बेड का बनवाऊंगा, अब छठी बारी आके कहे इसको 500 बेड का बनवाऊंगा। केवल प्रोमिसेस, केवल झूठे वादे किए हैं साहब, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और अगर आपने 200 बेड की कही थी तो अब क्यों नहीं बड़ा? हेल्थ की बात को जवाब दीजिए ना। नहीं, अगर मैं आपने 200 बेड की बात करी, न्यूक्रे की बात करी तो बड़ा क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ आप लोगों के सामने झूठ मत बोलिए, आप लोग झूठ मत बोलिए। मैं जवाब दूंगा 5 साल मिले थे कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए, ये ब्योरा इस पे जूम इन करिए साहब, ये ब्योरा, 3 बड़े-बड़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 1 पॉलीक्लिनिक सेक्टर 3 हुड्डा में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर हमने जगह जगह बनवाने के काम किए। जो ये बात करते हैं, एक काम बता के दिखा दें, ये बात करते हमने प्रॉमिस किए 5 साल में ड्राइंग और लैंड एक्वायर कर चुके थे, अगर हमें जनता वापस मौका देती आज 500 बेड का अस्पताल भी फतेहाबाद में खड़ा कर दिया होता। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, 5 साल में आपने सिर्फ ड्राइंग बनाने का काम किया। अरे तो आपने क्या किया? तो आपने भी तो ड्राइंग ही बनाई थी। नहीं तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? वेद फुला जी आप उनको कह रहे हैं आपने भी तो घोषणा की, आपने क्या काम किया? 200 बेड का आपने बनवा दिया क्या? आपने भी तो घोषणा ही की, आपने भी तो कहा मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, वो बन गया क्या? आप कह रहे हैं उन्होंने घोषणा की काम नहीं किया, आपने घोषणा की आपने भी काम नहीं किया, बस हिसाब बराबर। तमाम पार्टियां आए, सत्ता ले जाए, अनाउंसमेंट करे और काम ना करे, ऐसे बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। तो आप सवाल पूछ ही नेताओं से क्या ऐसे बात बनेगी? आप बताइए वेद फुला, बात ही ऐसे आप बनेगी? उनको कोस रहे हैं, आपको मौका दिया जनता ने, अब आप भी अपने आप को कोसवाने का काम ही कर रहे हैं। ये ड्राइंग की बात करते हैं, एक ड्राइंग बना के लाया हूँ, इनके बहुत ही सीनियर नेता हैं पार्टी के, भारत भूषण मिड्डा जी, मैं उनकी सोच की कदर करता हूँ कि पहली बार भाजपा ने विकास का मुद्दा उठाया, नहीं तो हमेशा धर्म जाति और इन चीजों का लेकर आते हैं। ये एक ब्यौरा आपको मैं देना चाहता हूँ और साथियों में भी बांटिए, फतेहाबाद के अगर विकास की बात करते हैं, ये बात करते हैं ड्राइंग की, मैं ड्राइंग आपको सिखाता हूं साहब, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए, नहीं वेद आप एक मिनट, मेरी डेवलपमेंट की बात बताते हैं, हमारे कार्यकाल में क्या हुआ। अगर आप फतेहाबाद के पूर्व में जाएंगे तो
दांगड़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, मताना में डाइट सेंटर बना, कुछ नहीं बना। ये दोनों चीजें हमने बनाने का काम किया। अगर आप आपने खाली नहीं, 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 आपने खाली ड्राइव बनाने का काम किया। आपकी आपकी सरकार ने केवल फीते काटे हैं। की सरकार ने किया। आपकी सरकार ने केवल फीते काटे हैं। हमने उसको पूरा करने को पूरा करने का काम किया। केवल फीते काटने का काम किया सारे का। प्रतिमा जी और रही बात बुना के अंदर, एक मिनट सुरेंद्र जी आप एक मिनट भाई एक मिनट सोनी साहब रुकिए। नहीं पहले 1900 मेरी बात पूरी करने दीजिए साहब, काम बहुत है। आपने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को अपने काम तो गिनाने दें। मैं बताता हूँ कि हमने कितने काम कुछ नहीं किया। आपने किया तो नहीं करता, आपको मौका दे। अरे ये बातें ये दोनों ये ना आप कहिए यहाँ पे ना आप कहिए, जनता बैठी आप लोगों को हिसाब बताने के लिए, हिसाब चुकाने के लिए, वो अपने आप चुका देंगे। आपको दावे करने की यहाँ पे झूठे दावे करने की जरूरत नहीं। मैं आनंद वीर जी की बात को पूरा करना चाहूंगा। आपने बात जनता की करी है, अगर गिल्ला जी ने काम किया होता तो तीन बार धूल चटाई है जनता ने गिल्ला जी को, क्योंकि 2014 के अंदर लोकसभा में रगड़ा जनता ने और फिर विधानसभा में और उसके बाद 2019 में फिर रगड़ा है। अगर आपने काम किया होता तो जनता आपको वोट देती। एक मिनट गिल्ला जी बात सुनिए, आप बात करिए, बात विकास की आपने करी है। आप कहते हमने ड्राइंग बनाई है, अरे ड्राइंग तो 1977 में उससे पहले इंदिरा जी ने भी बनाई थी, मैं गरीबी हटाऊंगी और मैं गरीब के घर में चूल्हे से धुआं हटाने का काम करूंगी। आपकी ड्राइंग वो बनी पड़ी है, लेकिन देश के अंदर आयुष्मान योजना के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब आदमी को सिलेंडर देने का काम किया है, गरीब आदमी के घर में शौचालय बनाने का काम किया है, तो माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने, मोदी जी ने किया है। और एक सबसे बड़ी बात मैं और कहता हूँ कि भाई आप लोग एक मिनट गिल्ला जी, एक मिनट गिल्ला जी, एक मिनट पूरी हो जाए, एक मिनट गिल्ला जी, एक मिनट पूरी हो जाए, एक मिनट गिल्ला जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट गिल्ला जी, एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको भाई, रही बात है ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने काम किया, अरे तो आप लोगों ने काम किया होता तो आपके नेता आपको जिताते। आज देश का मोदी मोदी है, नेता है जो अमेरिका में भी जाकर चुनाव लड़ने का जिताने का काम करता है। ठीक है, आज देखिए मैं आज अमेरिका की बात नहीं कर रही, आज मैं फतेहाबाद की बात कर रही हूँ। फतेहाबाद को मैं आज तमाम फतेहाबाद की परेशानियों को हल करने की बात कर रही हूँ। आप अमेरिका की बात मत कीजिए, फतेहाबाद की कीजिए। यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों से वोट मांगेंगे, यहाँ पे वोट मांगेंगे तो फतेहाबाद के लोगों के लिए क्या काम किया इसके नाम पे आप लोग वोट मांगेंगे। ये बात तो कहनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास नेता है, इनके पास नेता नहीं है। इनका नेता तो लोकसभा के बाद में मीडिया के सामने अभी तक नहीं आया, और हमारा देश का नेता जो है अमेरिका के अंदर जाकर भी वोट। आपका नेता ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर जनता ने लगाई, लोकसभा में आप लोगों को बम्पर वोटें दी, आपको बम्पर सीटें दी, और लेकिन एक उम्मीद के साथ हरियाणा में 10 की 10 सीटें दी। एक उम्मीद के साथ उनको मोदी जी के नाम पे विश्वास था कि हरियाणा में काम होगा। प्रधानमंत्री के तौर पे जो फाइट सीधे प्रधानमंत्री वर्सेस राहुल गांधी चली गई, उससे साफ तौर पे आपको फायदा मिला। 370 हटा दी, ठीक है, लेकिन यहाँ के मुद्दों का क्या? हम हर बार क्या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे? क्या हम कामों के नाम पे वोट नहीं मांग सकते? प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे हर बार वोट मांगेंगे, और क्या विधानसभा में भी आपको उसी नाम पे वोट मांगनी पड़ेगी? प्रतिभा जी देखिए, बात तो आपके सामने सारी आएंगी, और रही बात ये जो कह रहे हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, अरे भाई आपने किया होता तो जनता के बीच में तीन साहब, तो वही तो मैं कह रही हूँ। आप क्यों नहीं दिया? अगर उन्होंने नहीं किया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप ही नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया तो ये थोड़ी कि आप ही नहीं करेंगे, आपको तो करना पड़ेगा। मैं एक बार डाती हूँ, मुझे एक बार मुझे सुरेंद्र लेगा जी से कॉमेंट लेना है। सुरेंद्र जी ऐसा है प्रतिमा जी, जैसे मेरे बड़े भाई बैज जी ने कहा 24 तारीख को मालूम हो जाएगा, इंतजार करते हैं ना। मोदी जी का ये बार बार नाम ले रहे हैं, मोदी जी के नाम से इन्होंने वोट मांगे, लेकिन पिछले दिनों में रोहतक के अंदर मोदी जी भी आए थे, वहीं रैली करी थी, कुर्सियों पर बैठ के रैली हुई थी। वो कुर्सियां आप लोगों को मीडिया ने भी बताई थी, वो खाली पड़ी थी, लेकिन माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने परसों वहां रैली करी है, और खचाखच 15 लाख लोग। रैलियों की भीड़ की बात नहीं कर रही, मैं फतेहाबाद की कर रही हूँ। बात कीजिए तो बात नहीं, मैं रैलियों की भीड़ की बात नहीं कर रही, भीड़ तो सब इकट्ठी कर लेते हैं, कैसे ना कैसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मैं एक जी बेजी से एक बात और पूछना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर फतेहाबाद के अंदर हमने विकास किया है, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी वो सड़कों पर बैठा है, हरियाणा प्रदेश का किसान सड़कों पर बैठा है, हरियाणा प्रदेश का व्यापारी आज हरियाणा प्रदेश की सारी मंडियां बंद है, और फतेहाबाद में जाकर भी आप देख लो। एक मिनट एक बात मैं और कहना चाहूंगा भाई, ये लोग जो है खास करके विकास की बात करके कहते हैं भी हमने किया, भाई देश का नाम जब आता है तो सब लोगों से कोई पार्टी का हो देश सबसे बड़ी बात होती है। धारा 370 तोड़ी माननीय मोदी। अरे 370 ठीक है, तोड़ 370 फतेहाबाद की बात करो, आप फतेहाबाद की बात करो, नहीं है 370 के नाम पर नहीं है।
अरे दुष्यंत चौटाला जी ने सबसे पहले कहा एक मिनट रुकिए आपसे मैं बात करूंगी, आप तब बोलिएगा। 370 खत्म की, हम सब साथ में है इस बात के, कांग्रेस पार्टी नहीं है साथ में। ठीक है, एक मिनट। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम 370 पे बात करें या फतेहाबाद के विकास पे बात करें? फतेहाबाद से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? फतेहाबाद से बात चाहिए, 370 पे नहीं चाहिए। उसका धन्यवाद कर दिया प्रधानमंत्री मोदी का, पूरे देश ने धन्यवाद कर दिया। 303 सीटें दे दी भारतीय जनता पार्टी को। आप फतेहाबाद की बात कीजिए, आप फतेहाबाद की बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी 370 के विरोध में खड़ी होती है। आनंद गिल की लाकड़ा जी उसका प्रतिनिधि कब कर रहे हैं आज, इस बात का जवाब दीजिए। क्या भाई आप कांग्रेस की आलोचना करते हैं, आप राहुल गांधी की आलोचना करते हैं? अरे आप 370 से आगे बढ़ जाइए, विधानसभा का चुनाव है। वो कांग्रेस पार्टी ने भी बाद में सपोर्ट कर दिया, शायद आपको मालूम नहीं, आपने देखा नहीं। वेद फूला जी, आपने, आपको एक बारी हरियाणा की जनता ने आपको एक बारी मैंडेट दे दिया, तो अपनी छाती आप इस तरीके से ठोकने लग गए कि आपको एक आपको ऐसे लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि डेवलपमेंट की कोई बात लोकसभा की ताजा बात नहीं है। 370 के बाद लोकसभा की बात नहीं, बिल्कुल दिया है, जो आपको मौका दिया है तो आप ही को दिया है। फतेहाबाद जनता पार्टी को तीन बार, फतेहाबाद में मनोहर लाल खट्टर जी, फतेहाबाद में मनोहर लाल खट्टर जी आठ बारी आए, फतेहाबाद में मनोहर लाल खट्टर जी एक बारी, एक बारी वेद फूला जी। आप गलत कह रहे हैं, आप सुधारिए, आप सरकार में हैं, हरियाणा की जनता ने तीन बार मैंडेट दिया। वेद फूला जी, वेद फूला जी, मैं कह रहा हूँ तीन बारी छोड़ो या जितने आपको सपने आ रहे हैं आप उतनी बारी मैंडेट लीजिए। पर क्या आम आदमी को आवश्यकता नहीं है सवाल उठाने की? आपने बिल्कुल कहा कि मेरे पिता इलेक्शन हार गए पिछला, पर क्या मेरा हक नहीं बनता? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने काम दिखाएं, बताएं? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि वाटरवर्क्स किसने बनाया फतेहाबाद को, नहरी पानी किसने उपलब्ध करवाया, 100 एकड़ की नई अनाज मंडी किसने बनवाई, किसानों के लिए सिंचाई भवन किसने बनवाया, किसानों के लिए रेस्ट हाउस किसने बनवाया? सुनिए, एक बार ही सुनिए, बहुत से काम है साहब। आज शहर के बीचों बीच सुन लीजिए, एक बारी मुख्यमंत्री जी एक बारी यहाँ पे आए थे केवल घुमंत्रुओं का कार्यक्रम करने के लिए, जो प्रजाति जो केवल घूमती रहती है उनके कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री जी फतेहाबाद आए। आज उन्हीं को उठा के वहाँ पे बीजेपी का दफ्तर बनाया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? आप बात करते हैं काम की, मेरे को काम गिनवाइए। आप अपनी यादाश्त थोड़ी ठीक करिए। 370 की बात करते हैं, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पार्टी लाइन से अलग जाके उसका समर्थन किया था, और आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप बात डेवलपमेंट की करें, आप बात मल्टी लेवल की। बाकियों को समय भी देना पड़ेगा, बाकियों को समय भी देना पड़ेगा। बंडल जी आप जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मुझे लोगों के सवाल। बिल्कुल मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई मैडम, 8 करोड़ रुपए की मल्टी लेवल पार्किंग बनाई यहाँ की नगर परिषद, उसको चला भी नहीं पा रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकारें आई, उपलब्धियां गिनाने के लिए कोई बात नहीं करो। 2000 से 2005 तक की नेलो सरकार भी आई थी, बहुत कुछ बहुत काम किए थे। मैं लिस्ट गिनने लग जाऊँ बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई साहब कांग्रेस की, जिस वक्त विधायक ही चले गए बीजेपी में। मैं जल्दी सी बात करता हूँ, जो कांग्रेस की भाई साहब बात कर रहे हैं, उस वक्त मंत्री जी थे। मैं क्या कह रहे हैं, आपके तो विधायक ही चले गए बीजेपी में, ऐसा क्या हो गया? मंत्री जी थे, क्या हो गया? ये तो परिस्थितियां होती हैं जी, कहीं 3-13 हुए हैं, कभी अच्छे भी हो जाएंगे। अच्छे उम्मीद है विधानसभा चुनाव में अच्छा होगा। फतेहाबाद में जब गिल्ला खेड़ा जी मंत्री थे, तो एक डी प्लान की ग्रांट, सारी की सारी डी प्लान की ग्रांट यहाँ से उठा के, रिकॉर्ड का मामला है, 2011-12 में रोहतक चली गई थी। जो बीजेपी की बात कर रहे हैं वेद फूला जी, ऊंची ऊंची बोलने से ज्यादा इन बातों से वो बात नहीं बन पाएगी। विकास लोग चाहते हैं, लोगों को विकास चाहिए। ठीक है, मैं कुछ लोगों के सवाल इसमें शामिल अब करना चाहती हूँ। किससे सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैडम पहले तो आपकी हरियाणा न्यूज टीम का यहाँ स्वागत है। पहले तो फतेहाबाद में, यहाँ सिर्फ फतेहाबाद की बात हो रही है, हम रतिया से आए हैं सुनने के लिए स्पेशल आपको। मैं कहता हूँ कि बीजेपी की सरकार हर बार कहती है 370 कब तक चलता रहेगा? जनता सुननी चाहती है भी कि विकास हुआ या नहीं हुआ। रतिया में रतिया पंजाब के साथ लगता है, वहां सरेआम चट्टा चिट्टा बिक रहा है जी।
और जवानों की मौत हो रही है उस पर सरकार नहीं बोल रही। हमारे को शर्म आती है, ये नेता जो है सिर्फ विकास की बात छोड़कर 370 इसके अलावा इनको कोई सवाल नहीं आता क्या मैडम? इस पर सवाल पूछिए। मैं वेद भुल्ला जी से पूछना चाहता हूं कि जो सच्चाई की बात है कि पंजाब के साथ लगता बॉर्डर, हमारी जो मौतें हो रही है हेपेटाइटिस सी से, सबसे बड़ा मुद्दा रतिया के अंदर है, कितनी मौतें हो चुकी हैं हमारे, सिर्फ ये कांग्रेस के गिलाखेड़ा जी खड़े हैं, इनसे पूछना चाहूंगा कि हमारे स्टार्टिंग में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर सिर्फ सी के लिए केंद्र खोला गया था, मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ की घोषणा करके लॉलीपॉप दिया था हुड्डा जी ने, उसके बाद लॉलीपॉप दिया खट्टर जी ने, मैं आपको बात बताऊं, लेकिन सी से और कुछ भी हमारे पास तो सब लॉलीपॉप क्यों देते हैं जनता को? जल्दी से मैं और भी सवाल ले लेती हूँ, काम क्यों नहीं करते हैं? चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे INLD हो, मुद्दों से भटकाने की बात क्यों हो रही है? रतिया से लोग बैठे, टोहाना से बैठे, फतेहाबाद से बैठे और आज सुनना चाहते हैं कि आपने इनके जिले में क्या किया, तो उस पर बात कीजिए। क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, मैं वेद फुल्ला जी से पूछना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा की बात छोड़ें, इन 5 सालों में फुल्ला जी बताएं कि ऐसा कौन से 5 काम हुए हैं जो फतेहाबाद में इन्होंने उद्घाटन करा, शिलान्यास कराओ और उसके बाद में उद्घाटन भी कराओ। ठीक है, हाँ जी प्रतिभा जी, एक मिनट, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। 5 काम नहीं, सैकड़ों काम है। अरे 5 गिनवा दीजिए बस, सैकड़ों छोड़िए आप, 5 गिनवाइए, 5 भाई, एक मेरे पड़ोस में 5 गिनवाइए जल्दी से, समय नहीं है। फतेहाबाद के अंदर हमने ये किया वो किया, और भाई फतेहाबाद में हमने 2 पार्क बनाए हैं, एक दीनदयाल उपाध्याय जी का, एक हेरिटेज पार्क है, और तुमने एक पार्क बनाया था वो भी बना लिया, बन गया क्या? में बना लिया, नहीं बना, और दूसरी बात है, एक 12 करोड़ से, 12 करोड़ से बस स्टैंड बनाया है, 17 करोड़ से हमने उन्ना के अंदर कॉलेज बनाने का काम किया है, और भट्टू के अंदर 3 करोड़ से वाटर बक्स बनाने का काम किया है, और भाई तुमने एक पार्क बनाया था, और वही अपने भट्टू का वाटर बक्स हम चालू करके जा चुके हैं। आनंद जी प्लीज, आनंद भट्टू का वाटर बक्स चालू हुआ, पता चलता हूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट का कुछ नहीं किया, और कल जो 5 मौत हुई है उनका जिम्मेवार कौन है? ये भर्ती हुए HSSC के एग्जाम में जो बच्चे, भाई भर्ती की जो प्रक्रिया मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में पारदर्शी तरीके से करी, अरे पारदर्शी को छोड़िए, बच्चे मर रहे हैं, मर रहे हैं बच्चे, पेपर देना ही पड़ता है प्रतिभा जी, घर पे कोई पेपर नहीं होता, पेपर फतेहाबाद में भी दे सकते हैं जी। वेद फुल्ला जी कहते हैं अभी कांग्रेस राज में यहाँ कंडे में भुक्की बिकती थी, आज चिट्टा बिक रहा है उसका गैला, आज तो आपकी राज हो गए यहाँ पे। ठीक है ठीक है, और कौन पूछना चाहता है? बीजेपी सरकार में ये पिया पार्क है, इसमें रात को 10 बजे के बाद नशा बिकता है, कोई वेद फुल्ला बताएंगे क्यों बिकता है? नशे के खिलाफ बहुत गुस्सा है लोगों में। मेरा सवाल आनंदवीर जी से है, आपको दिखा जाए, एक इनकी सरकार में एक हेरिटेज पार्क फतेहाबाद को मिला था, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पार्क इन्होंने गिल्लाखेड़ा में ले जाके क्यों बनाया? ठीक है आनंद जी, बहुत बढ़िया जी, सबसे पहले आपकी नॉलेज के लिए वो हेरिटेज नहीं हर्बल पार्क था, दूसरी बात थोड़ा सा सीख प्लीज, थोड़ा प्लीज, सा हेरिटेज पार्क की, हेरिटेज पार्क की भुल्ला साहब कह रहे हैं, हेरिटेज पार्क की उनके भक्त कह रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ 15 एकड़ जमीन मुफ्त की हमारे गांव की पंचायत ने सरकार को देने का काम किया, ताकि नहीं एक बारी आप सवाल सुन लीजिए प्लीज, मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट की थी, प्लीज हूटिंग मत कीजिए, हम बहुत दूर से आए, आप लोग पूछ चुके हैं, आप सवाल पूछ चुके हैं 15 एकड़ पंचायत की जमीन, 15 एकड़ फतेहाबाद में लेके देते, अगर आप इतना ही करने वाले थे तो 15 एकड़ फतेहाबाद में लेके देते, अनफॉर्चुनेट भी अपने गाँव में बनवा लो, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरे पापा विधायक नहीं थे, वो 2005 से लेके 9 के कार्यकाल में बना था, कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनका सवाल लेना चाहता हूं, और कहीं पर भी कोई भी सरकार या कोई आनंद जी प्लीज, मेरा वेद फुल्ला जी से सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने योजना चलाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 के बाद हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित है, और अब पिछले दिनों SSC का पेपर हुआ, 3 दिन लगातार चला, तो उसके उसमें मेरी बहनों के लिए क्या व्यवस्था की गई? मेरी बहन ने बसों में धक्का खाते हुए वहां पहुंची, अपने पेपरों तक बड़ी मुश्किल से पहुंची है, तो उसके बारे में बताएं। मेरा भी सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा, मैंने भी किया था, आप जवाब दे नहीं पाए, तब नहीं मैं दे रहा हूँ जवाब,
मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी जवाब दे रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश में महिला थाना बनाने का काम किया था मनोहर लाल जी की सरकार ने, किया हर जिला मुख्यालय में। महिला थाने से क्या हुआ? महिला थाने से क्या हुआ? कभी कभी आप प्रतिमा जी एक मिनट की बात करेंगे, 13 साल की कम बच्ची के साथ कोई बलात्कार या घटना? अरे आप उसको छोड़िए, बच्चियां लटक लटक के जा रही है। बहन ने सवाल पूछा है, इस बहन ने सवाल पूछा है, पेपर देने के लिए लटक लटक के जा रही है, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? सारी व्यवस्थाएं करी गई है। अरे कहाँ की है? कहाँ की है? कहाँ की है? हरियाणा झूठ तो मत बोलिए, इतना झूठ तो मत बोलिए, इतना झूठ मत बोलिए, इतना झूठ मत बोलिए। 18 लाख बच्चों को हरियाणा रोडवेज, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, जवाब नहीं आपके पास, मान लीजिए इस बात। हम बेतफुला सर से पूछ रहे हैं कि हम सिविल हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, हम इनके पास 3 बार जाए हैं, हम काम कर रहे हैं, करें, हमें नौकरी से 50 जन बंदों को नौकरी से हटा दिया गया, कच्ची नौकरी है हमारी, 5 साल चाय पिलाऊं क्या? चाय पिलाऊं क्या? हम पिलाते हैं तेरे बीजेपी पार्टी सारी को। 6-7 सालों से लगे हुए हैं हमारे, 6-6 साल हो गए हमें लगे होंगे, 6-6 साल हो गए हमें लगे, 6-6 साल हो गए हमें लगे होंगे। बेतफुला जिसके पास हम 6 बार जाए, हम देखे मैडम जी गर्मी ना मरो, गर्मी ना मरो, और गाड़ी में बैठ कर कहते हैं हम चाय पी लो मैडम जी, क्या चाय पी ले हम, क्या चाय पी ले हम, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, सीएमओ सब मिले हुए इसके साथ, हमारे हमारे ना इनके अपने बंदे लगा रखे 70-70 हजार। प्लीज सुनिए, आप प्लीज सुनिए, हूटिंग मत कीजिए प्लीज मैडम जी, प्लीज मैम मेरे पास एक मिनट प्लीज, आप हूटिंग मत कीजिए, एक मिनट जवाब दीजिए। मैं इसके बाद जवाब दे रहा हूँ जी के पास, मुझे ये ठेका प्रतापे लगे हुए थे, नया ठेकेदार आया और इनकी कुछ शिकायतें वहाँ दर्ज हैं सब लोगों की, क्योंकि ये लोग अपने लेवल पे किस तरीके से काम करते हैं, और भाई प्रशासन को काम चाहिए, हॉस्पिटल में काम चाहिए, ये लोग अपने लेवल के ऊपर जिस तरीके की कोई बात करते हैं, प्रशासन के साथ इनका टकराव था, मैंने इनको ये बात कहा कि आप अपना टकराव दूर कीजिए उनके साथ बैठ करके, और मैंने 2 बार उनसे बात करी, दोनों बार उन्होंने ये कहा कि ये लोग ठेका प्रतापे लगे हुए हैं, जो काम हम कहते हैं वो काम नहीं करते, वहाँ यूनियन बाजी करके काम को बाधा करने का काम करते हैं, नए लोग लगा लिए, और इसमें ठेका पड़ते के बाद उनका उसका अपना अधिकार होता है। मैडम मैं मौजूदा सरकार के आनंद जी मैं बेतफुला से कहना चाहता हूँ कि ए बोले भी कर्मचारियों पर शिकायत दर्ज है तो इनको पहले क्यों नहीं उठाया गया, पहले क्यों नहीं उठाया, अब ठेकेदार बदल से हटाया था इनको, क्यों उठाया गया पहले? बहुत बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, ऐसे 75 पार कैसे होगा, इतना गुस्सा मैडम कैसे है? मैडम 75 आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है बहन जी, मैम इस आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। प्रतिमा जी, मैडम मेरे को एक जवाब, प्रतिमा जी आपने एक बात कही बीच में मैडम कि 75 पार कैसे होगा, ये 75 की स्पीड से पार हो गया हरियाणा प्रदेश से, ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। मैडम एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपके पास कोई आता है आप उन नेताओं को कहते हो एक चाह पिया दो पीने बाद काम हो जाएगा, आपने तो रेडी यूनियन वालों को भी नहीं छोड़ा, जब खट्टर साहब आए थे जब इन्होंने अपनी रेडियो की मांग करी कि हमें परमानेंट जगह दिलाई जाए तो आपने इनसे पोस्टर लगवाए, इतने गरीब व्यक्तियों को जो 5-5, 10-10 रुपए सैकड़ा दे के दिन में ब्याज तोड़ के अपना पैसा कमा रहे हैं, आपने उनसे भी धक्के से शहर में पोस्टर लगवाए, उनको का काफिला बन के उनका स्वागत करें तब आपका हल करेंगे, ईमानदार सरकार है, रेडी वालों तक को नहीं छोड़ा आपने। आनंद जी प्लीज, आप सारी बातें छोड़िए, एक जस्ट अभी नया मुद्दा ये है कि आप लोगों में सबसे कोई क्लर्क की परीक्षा देने कोई गया होगा, किसी की बहन के साथ गया होगा, कोई अपनी बेटी के साथ गया होगा, वहां मैं भी गया हूँ, मैंने क्या देखा है, कान की बालियां उतारी जा रही है, नाक के कोखे उतराए जा रहे हैं और चूड़ा उतराया जा रहा है, उससे नकल हो रही है क्या? इससे इसको ये विकास बोल रहे हैं, इससे हमारी बेइज्जती नहीं है, हमारी बहनों बेटियों की बेइज्जती नहीं है क्या इसमें, आप ये बताइए, बाकी सब छोड़िए आप। प्रतिमा जी एक एक मेरा क्वेश्चन आनंदवीर गिल्लाखेड़ा जी से भी है, अपने इन मेरा क्वेश्चन तीनों सरकारों से है, मैं कांग्रेस टाइम में पटपट कर रह लिया, कांग्रेस टाइम में पीछे लग गया कर दे, फूल चाल कर दे, बीजेपी सरकार आई मेरा भाई जेबीटी टीचर लग गया फ्री में, लेकिन इनेलो के विधायक दौलतपुरिया जी हैं, दौलतपुरिया जी के राज में चिट्टा बढ़ गया, और वो सरकार सोचनी चाहिए बीजेपी वालों को, इनको क्यों लिया, दौलतपुरिया जी के राज में चिट्टा, वो इनको सोचना चाहिए, वो इनका काम है, और अपने बीजेपी की जो सरकार है इसमें बिना पीछे मेरा भाई नौकरी लग गया या ठोक बजा के कैश को मैं पूरी मेरा प्रतिमा जी
बहुत बहुत बधाई आपको। एक मिनट मैं चाहती हूँ प्लीज आप लोग अपने सवाल रखिए, एजेंडा यहाँ पे नहीं सेट। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्वच्छता अभियान, झाड़ू उठा के उन्होंने सफाई की थी, उन्होंने ये सबको संदेश दिया था कि सबने सफाई रखनी है। पर यहाँ पे जब हमारे MC दर्शन नागपाल जी बने, उस समय जब इलेक्शन हो रहे थे तो वेद फुल्ला जी आए, कहने लगे मैं इनको प्रधान बनाऊंगा। आज इन्होंने इनको ठीक है प्रधान बना दिया, पर आप जाके पार्कों की दुर्दशा देखो, यहाँ झाड़ू वाले बैठे हैं, उनकी वहां पे सब लैटरिन घरों के आगे होती है और सब इतनी गंदगी है कि सब बीमारियां ही बीमारियां फैल रही हैं। कृपया इस पे ध्यान दें और इस चीज का मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सफाई अभियान कहाँ गया। दर्शन नागपाल जी बीच में उपस्थित हैं, आपके पीछे नगर परिषद के हैं, आप सारी बातें इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मंच पर आप हैं बताने के लिए, आपको बताना पड़ेगा, आप मंच पर। प्रतिभा जी, आज फतेहाबाद शहर के अंदर आप किसी मोहल्ले गली में जाइए, आपको स्वच्छ भारत की तस्वीर नजर आएगी। जो ये बात कह रहे हैं, ये बात तो आप कह रहे हैं आएगी क्या? बिल्कुल, साफ सुथरे पार्क मिलेंगे, साफ सुथरी सड़कें मिलेंगी, लेकिन भाई अगर कर्मचारी सफाई करके चला गया, उसके बाद में आपने वहां वो कर दिया, तो उसमें वो कर्मचारी 24 घंटे वही रहेगा क्या? ठीक है। स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए। मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेरी बहन ने कहा, मेरी बहन बैठिया रात को 2 बजे तक घर आई, एक साथी ने कहा कि उसके कानों से वो भी उतार लिए गए हैं। क्या ये परीक्षा बेजी फतेहाबाद में नहीं हो सकती थी, फतेहाबाद वालों बच्चों की? आप इस बात का जवाब दें। ये क्यों सेंटर इतनी दूर दूर क्यों बनाए, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 235 किलोमीटर, किसी को? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक ईमानदारी से सिस्टम खड़ा किया जा रहा है माननीय मनोहर लाल जी की सरकार द्वारा, मेरी बात को आप पूरी तरह देखो, क्योंकि एक क्वेश्चन कई बार उठ चुका है। अगर पूर्व की सरकारों में जिस तरीके की भर्तियां इन लोगों ने की हुई है, और वो लोग जिस भी सीट पर बैठते थे, जिनकी मानसिकता, चूड़ियां उतरवाने से, कान की बालियां उतरवाने से, पूरी बात का जवाब अगर नहीं दूंगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा आप पूछ लीजिएगा। अगर वो लोग आजकल टेक्निकल जो बात है जिसमें कैमरा है, चाहे आज जो इक्विपमेंट जो होते हैं वो इतने सूक्ष्म आए हुए हैं, सारे आप पेपर लीक हो रहे हैं, आप तमाम चीजें हो रहे हैं, चूड़ियां उतरवा रहे हैं, समझ जी, पेपर लीक होने के बाद में वो ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आज तक फतेहाबाद में सफाई नहीं हुई ना तो हो भी नहीं सकती, इतनी सफाई है। मैडम जी मेरे गांव में 50 बंदे लगे हैं भाजपा सरकार में, बगैर पैसे के लगे हैं, एक पैसा भी, और कांग्रेस सरकार में नौकरी बिकी थी और मैं सबूत दे सकता हूँ, जिन लोगों से पैसे लिए थे। सवाल, मुझे सवाल चाहिए, आप नेताओं से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए अपने। भाई वेद फुल्ला जी कह रहे हैं हमारे पास नेता है और नीति है, नियत है। अगर इनके पास नेता नीति नियत है तो चौधरी धूड़राम कांग्रेस में थे शुरू में और आज वो टिकट लेंगे भाजपा की, इनके पास ना नेता ना ही नीति है, भाजपा की बिकेगी बिकेगी टिकट बिकेगी। मैडम जी मेरे एक मिनट प्लीज। मैडम जी मेरे वार्ड के अंदर, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरे वार्ड के अंदर बीजेपी सरकार में 4.5 करोड़ काम हुआ है, कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हुआ मेरे वार्ड के अंदर, 4.5 करोड़ काम। जो बंदा प्रधान जी पे लगा रहा था जी सफाई नहीं होती, आप मेरे वार्ड में स्पेशली जाके देखिए क्या क्या हो रहा है मेरे वार्ड के अंदर, सबसे बढ़िया वार्ड। आप जाके पार्षद प्रतिनिधि जी, पार्षद प्रतिनिधि जी एक मिनट पहले बात सुनो, आप पार्षद जी बैठे हैं, ये प्रधान भी हैं, आप इनके वार्ड के अंदर घूमो तो आपको पता चलेगा कि क्या सफाई हो रही है यहाँ पे। आज सुबह ही यहाँ पे सफाई कर्मचारियों को लाकर सफाई की गई है, नहीं तो आप एक दो दिन छोड़ के भी देख सकते हैं फतेहाबाद में क्या सफाई। नगर परिषद की जो हालात है वो तो रोज हम अखबारों में देखते ही हैं कि कभी तो कोई एक्सीएन और ईओ हमारे अध्यक्ष जी की बात नहीं मान रहा होता, कभी सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, एक डेफिसिट पर लाके छोड़ दिया, नई बात पार्कों की, आनंद जी कर्मचारी नहीं बैठे, सारा हरियाणा प्रदेश बैठे हैं। आनंद जी मैं एक बार बलविंदर जी से भी जो भर्तियों की बात चल रही है, पहले तो प्रतिमा जी पार्कों की दीवारों पर जनता की आंखों में धूल जो की जा रही है, उधर से जो इलेक्शन घोषित हो चुके हैं, हमारा 21 तारीख को इलेक्शन है, अब किस बात की जरूरत नहीं होती, आएगा कौन आपको पता नहीं है। सरकार आ रही है, भर्तियां तो केवल एक आंखों पर पट्टी बांधने वाली बात है, कल वोटे मांगने वाली बात है। बताओ ये भर्ती 4 साल पहले कहां गई थी? मेरे भाई एक ने कहा कि मैं एक मेरे भाई ने कहा कि मैं भर्ती बिना पैसे के हुआ, पैसे आपसे पहले बहुत से लोग और भी भर्ती हुए हैं और सरकारों में भी हुए हैं, गिना देंगे उन्होंने कहां पैसे दिए। लेकिन एक बात कहनी चाहिए, अगर भर्ती करनी थी
तो चार साल में सरकार को ये पद भरने चाहिए थे, उस वक्त सरकार कहाँ थी? प्रतिमा जी आज अगर जरूरी भरने हैं वोट के लिए पट्टी बांधी जा रही है फतेहाबाद की। अब फतेहाबाद के अंदर रतिया भी है, जैसे मेरे साथी ने रतिया के बारे में बताया, रतिया में कैसी बीमारियां हैं, नाली के साथ गगन नदी के साथ ट्यूबवेलों पर ये लिख दिया गया है ये पानी पीने के लायक नहीं है। हाँ। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि ये जीरी बेल्ट रतिया उठवाना, फतेहाबाद भी काफी एरिया से है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा पिछली बार किसानों पर इन्होंने पर्चे दर्ज किए थे, क्या अब की बार भी वैसा ही करेंगे प्राणी के नाम पर? ठीक है, वेदफुला जी। अभी जो केरो साहब ने बात कही कि भाई नौकरियां चुनाव के नजदीक आकर देने का काम किया है, पीछे विधानसभा के सेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कितनी नौकरी दी पटल पे रखी गई, ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में कितनी नौकरी लगी पटल पे रखी गई, ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में 5 साल के अंदर 10,300 नौकरी देने का काम इन्होंने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 10 साल तक राज रहा, हरियाणा में 20,000 प्लस नौकरी देने का इन्होंने काम किया, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने 5 साल के अंदर 65,000 नौकरी ज्वाइन करवा दी। आप बात कर रहे हैं और सक्षम युवा बच्चा 65,000 में से बार के कितने बड़े भाई ये भी बताओ 70 में से 68 बार के आ सकते हैं तो हरियाणा के अंदर 6,841 गांव हैं, 154 छोटे और बड़े शहर हैं, अगर मैं उनको जोड़ के और नौकरियों से भाग करूं तो एक गांव में एक साल से 2 नौकरियों से भी कम आपने नौकरी दी। और रही बात ये भी 65,000 का आंकड़ा लेके चल रहा हूं जिसमें 18,000 से ज्यादा चपरासी आपने भर्ती करे और अफसर बार के लगाए। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नौकरियों की आप बात जब इन गुजरात के भरने का काम किया नहीं, एक बार आपने आनंदवीर जी आप क्या क्वेश्चन करते आ रहे हैं? आनंदवीर जी क्या क्वेश्चन करते हैं? आप मेरे भाई हमने देने का काम किया, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, पैसे लेकर के नहीं। आनंदवीर जी क्या बात कर रहे हैं? समय खत्म हो गया मेरे पास, समय खत्म हो गया, आप जल्दी से अपनी अपनी बात सब रखिए। नोटबंदी और जीएसटी के कारण आज एनसीआर में हजारों लाखों बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी आपने क्या किया? उनकी जिम्मेदारी क्या सरकार हमने 65,000 नौकरी देने का काम क्या किया? अरे बात आपने नौकरियां दी 65,000, नौकरियां छीनी कितनी? आर्थिक मंदी से कितने लोगों को बाहर निकाल दिया? आप ये भी तो बताइए कितने घर कितने लोग बेरोजगार होकर वापस अपने घरों को जा रहे हैं उसका जवाब दो। मेरे पास फाइनल कमेंट लूंगी 2 मिनट फाइनल कमेंट लूंगी सबके पास, उसके पास आपके पास भी आऊंगी। बलविंदर जी समय मेरे पास खत्म हो गया है। फतेहाबाद की जनता आपकी पार्टी पर कैसे विश्वास करे? आपके विधायक जो जीत के आए, आप सबसे बड़ा आरोप उन पर चिट्ठे बेचने का लग रहा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अब आप तमाम लोगों के बीच में जाके वोट मांगेंगे तो लोग क्या कहेंगे? आपकी पार्टी आज इतनी कमजोर है, हम आपको वोट कैसे दें? या आपका एजेंडा क्या है, या फतेहाबाद के लिए क्या करेंगे जल्दी से? जिस वक्त हमारी सरकार रही है उस वक्त यहाँ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया, शहरी को चेयरमैन बनाकर पूरा विकास का जो पैसा दिया, आज सारे यहाँ पंचायत और सरपंच ग्राम पंचायत वो बैठे हैं। हाँ। उनसे पूछ लो कि उस वक्त जो पैसा ग्राम पंचायतों को चौटाला साहब ने दिया था आज तक उतने चेक किसी सेक्रेटरी ने नहीं काटे जो चौटाला सरकार में कटे थे। आनंद जी जो नौकरी उस वक्त समय नहीं है, बिना उसके समय नहीं है, समय नहीं है, वो लगाई उन कुछ भी आप आज हम जनता में जाएंगे हमारी सरकार के लिए वोट मांगेंगे। ठीक है आनंद जी, मैं मौजूदा सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं नौकरियां, उस पर मैं सवाल कर रहा हूं कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण इतने लोग बेघर होके घर पे आए। आज अगर आप बात करो कांग्रेस के कार्यकाल की, क्या आपने सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन सा है देश का? एम्स कौन लेके आया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है? IIM कौन लेके आया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है? IIT वो कौन लेके आया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कितनी नई फैक्ट्रियां, कितनी नए उद्योग, कितने नए इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे सेटअप किए, कितने नए इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप करे? और फतेहाबाद की बात करते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट 23,000 न्यूक्लियर पावर प्लांट छोड़िए, फतेहाबाद फतेहाबाद फतेहाबाद
में कौन लेके आया? आनंद जी फतेहाबाद, फतेहाबाद की बात एक अदारा था, एक कारखाना शुगर मिल भुना, केवल फतेहाबाद में एक कारखाना था, वो कांग्रेस ने बंद कराया और बीजेपी ने वादा किया चलाने का, वो नहीं चलाया। एक शुगर मिल थी जो साहब ने चलाई थी, देवीलाल जी ने लगाई थी, कांग्रेस ने बंद भाई। आप गणेश जी आप भूल जाते हो, अरे भाई आप भूल जाते हो, जल्दी से आनंद जी, समय नहीं, जल्दी से बल्ब एक मिनट लेगा जी, ठीक है सुरेंद्र लेगा। ऐसा है ना, तो इनके पास कोई नीति है ना इनके पास नेता। आपके पास है? बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश का युवा, हरियाणा प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला की तरफ देख रही है। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने जींद के अंदर साबित करके दिखा दिया था। मेरे तो लोकसभा में क्या हो गया फिर? मेरे अजीज आनंद जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ऐसे कोई इतना बड़ा चेहरा ये लेके आए थे हरियाणा प्रदेश का, देश का आपका भी तो सबसे बड़ा चेहरा था, सीएम आया नारे लगाते थे लोकसभा में, मात्र वोटों से बची थी, ये भूल गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाला समय है वो दुष्यंत चौटाला होगा, हरियाणा प्रदेश के युवा, हरियाणा प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला की तरफ देख रही है। ठीक है, 24 को मालूम होगा। वेदफुला जी आप जल्दी से सबके जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने भी प्रतिभा जी ये बात कही और आनंदवीर जी ने भी कही, भाई जीएसटी और जो नोटबंदी हुई उसमें बेरोजगारी ज्यादा हुई, भाई जीएसटी मैंने जीएसटी और नोटबंदी का जिक्र नहीं किया, मैंने देश में आज आर्थिक हालातों की चर्चा की और उसी आर्थिक हालातों में जो नौकरियां जा रही हैं, विपरीत परिस्थितियां तमाम लोगों के लिए बन रही, मैंने उसका जिक्र किया था। जीएसटी और नोटबंदी से बेरोजगारी होती तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें ना मिलती। देश की जनता ने मोर लगाई है, देश की जनता ने मोर लगाई है। और बात रही दुनिया के अंदर आर्थिक रूप से मजबूत होने की, देश की जीएसटी हो चाहे कालाधन की बात हो, देश पहले आपकी सरकार में 11वें पायदान पर था और आज देश दुनिया के अंदर छठे पायदान पर है। तो मोदी जी की नीतियों की वजह से आनंदवीर जी, और आप बात करें एम्स की, अरे कहां है वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हैं? अरे भाई कितने लोगों ने इलाज कराया बताइए, कितने लोगों ने इलाज कराया? अरे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो हरियाणा में खुला हुआ, कितने लोगों ने इलाज कराया जिसमें इन्होंने बनाया था बताइए, है कहीं हरियाणा के अंदर? अरे झूठ बोल रहे हो सब लोगों के साथ। आप अरे मैम यही कह रहे हैं, मैडम मैं यही कह रहा हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की आम जनता के अंदर अगर विश्वास पैदा करने का काम किया है, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर समय खत्म हो गया। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है आनंद जी, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हरियाणा एक्सप्रेस के इस सफर में सवार होने के लिए। तो आपने फतेहाबाद की आज तमाम मुद्दों को सुना, लोगों की परेशानियों को जाना और ये समझा कि आज जब लोग वोट डालने जाएंगे तो हर बात का हिसाब होगा। आज 370 की बात तो सब लोग स्वीकारते हैं, सब लोग मानते हैं और सब लोग कहते हैं कि वाह बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन जब बात फतेहाबाद की जनता की वोट डालने पर आएगी, जब बात हरियाणा की जनता की वोट डालने की बात आएगी, तो तमाम यहां के मुद्दे हावी होंगे, तमाम यहां की परेशानियां हावी होंगी और लोग उसके बाद आपको वोट देंगे कि आपने कुछ काम किया है या नहीं किया। हर पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, हर पार्टी कह रही है कि हमने बहुत से काम कर दिए, लेकिन फैसला आपको करना है 21 तारीख को वोट डालकर और 24 को किसकी सरकार बनती है। यह स्थिति भी साफ हो जाएगी कि किसके दावे हवा होते हैं और किसके दावों में वाकई दम है। इंतजार करते हैं 24 तारीख का, लेकिन 21 को आप सब वोट जरूर डालिएगा। और आपको वोट डालने से पहले किन मुद्दों को सोचना है, क्या विकास के एजेंडे पे बात करनी है या सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि एक नाम पर आप वोट डालेंगे, ये फिलहाल हम आप पे छोड़ते हैं। आज के चुनाव हरियाणा के इस सफर में मेरे साथ अब इतना ही, इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए हरियाणा एक्सप्रेस का ये सफर, हरियाणा न्यूज के साथ, धन्यवाद।